तो हम लोग आ गए गंगा मैया पार्क, नाम ही बहुत प्यारा है जी। इधर जो पहाड़ देख रहे हैं अपनी आंखों से जो देख पा रहे हैं वो कैमरा उसको दृष्टि पे नहीं कर पा रहा है। खाने वाला काम मत करो, घूमते सब विराट खाने वाला काम। दिया उधर तेरी, दिया संभल के उधर खाई है। तो हम लोग जी यहाँ पर उतर गए हैं झूम मोनेस्ट्री के पास, तो चलते हैं अंदर मोनेस्ट्री। और क्रियांश जो है अभी सो गया है। क्रियांश के लिए खाने का तो सामान हम लोग लेते आए थे, सोचते थे कि इसको भी खाना खिला देंगे, लेकिन सो गया है। कोई नहीं, बैठ के नींद में ही पिला दो। और यहाँ देख सकते हैं जी पटरी के बगल में कितना सारा मार्केट यहाँ पर लगा हुआ है, तो ट्रेन से जब जाएंगे तो ये मार्केट सब भी दिखता रहेगा। अब चलो यहाँ से चलते हैं अंदर, चलते हैं जी मोनेस्ट्री। क्या नाम है इसका? डंडन सामटेन चोलिंग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ तो वो माफ कर दीजिएगा हमें। तो यहाँ पे जो है इतनी ठंड है ही नहीं, हमको लगता ठंड है ही नहीं, तो हम जैकेट खोल रहे थे कि मतलब जैकेट नहीं पहनेंगे, बहुत गर्मी लग रहा है, तो जैकेट नहीं खोलना है बिल्कुल नहीं। लेकिन द्रौपदी देव डांट दिए अंदर में, क्योंकि पहनी हुई है हाफ टी शर्ट। हाँ तो बन रही थी बॉडी बिल्डर, तो बॉडी बिल्डर नहीं बनना। नहीं खोलने दिए हमको, तो बहुत गर्मी लग रहा है, नहीं होता है गर्मी से बेचैन टाइप का कुछ नहीं वो तो, हो रहा है। लेकिन जो इनर बटन खोली लिए तो दिक्कत क्या है? नहीं इसको हम बंद करेंगे, अच्छा नहीं लगता वैसे, फिर भी क्या कर सकते हैं। पति देव ऐसे डांटने लगते हैं, हर बात में डांटने लगेंगे। इन्हें सोचेंगे घूमने आए थे, डांटना बंद करे, घर जाके डांटे, लेकिन नहीं इनको डांटना है ही। वाला काम मत करो, घूमते सब डांट खाने वाला काम। और मेरा बेटा जो है सो गया, यहाँ पे शूज को निकाल लिया गया है। यहाँ देख सकते कितना खूबसूरत लग रहा है, हमको लगता है यहाँ का सारा ट्रेडिशनल वाला सामान सब है ना। और ये देख सकते हैं प्यारे से लाफिंग बुद्धा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, एकदम लग रहा है एकदम शांति जैसा यहाँ पर। हाँ ना सकते हैं, ये दिया है अंदर में, और जितना भी बॉल है सब में पानी, सब में पानी भरा हुआ है। और यहाँ पे कुछ चढ़ाया हुआ है इन्होंने प्रसादी बुद्ध भगवान। यहाँ पर जी हम लोग बैठ गए हैं कुछ खाने के लिए, और अभी तो यहाँ कुछ चाय कॉफी मिल नहीं रहा है क्योंकि भाई साहब अपने खाने में लगे हैं, बच्चों को खिलाया जा रहा है। तो इधर क्रियांश अपना भोजन कर रहा है, उधर शिवांश का जो भोजन है वह तैयार हो रहा है। A few moments later. तो जी यहाँ पर घूम लिए हम लोग, और उसके बाद जो है थोड़ी बहुत पेट पूजा हुई, लेकिन ज्यादा भी नहीं, बस स्नैक्स खाए हैं हम लोग। बिस्किट रख ली थी? हाँ, रख ली। अच्छा हाँ। और क्रियांश जो है बीच में फिर से एक बार पोटी कर दिया। बात क्या है ना जी, सुबह पोटी किया था हाँ, तो अच्छे से नहीं कर पाया था, आप खिलाने लगते बीच में हंसा देते इसको। अच्छा, उसके बाद ये नहीं करता, तो कोई बात नहीं अभी किया। तो डायपर जो है अच्छा खासा साथ में कैरी करके चल रहे हैं हम लोग, और अब चलते हैं फिलहाल जल्दी से ऊपर, और फिर चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। जी आज जो है एकदम जोश जोश में लेकर के चल रही थी क्रियांश को, तो जी आपकी और हालत हो गई इतनी सी चढ़ाई चढ़ने में, हमको दे दो, तुम ये पकड़ो, इसको भी कर लेगी ना कैरी। हाँ, कर ले। चलो तो हम लोग जी अब यहाँ से नीचे उतर रहे हैं, और इसी रूट में टी गार्डन, रॉक गार्डन, जो भी हमारा व्यू पॉइंट है मेन में वो सब इसी रूट में है। तो पहले हम लोग इधर का जितना भी चीज होगा वो सब कुछ चलेंगे एक्सप्लोर, यहाँ एक्सप्लोर करने के बाद जो है हम लोग चलेंगे रोप वे की तरफ। और वहाँ देख सकते हैं जी क्रियांश को, वहाँ भी आराम से व्यू ले रहा है, कितना भी जर्किन आए कुछ भी आए उसको और मजा आता है जितना जर्किन आता है। और आगे कुछ ऐसा माहौल है, ओ भाई साहब कहाँ रहे आगे। और पीछे कंचनजंगा भी हम लोग देख सकते हैं, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं। यहाँ से जी हम लोग जा रहे हैं नीचे, रोड देख सकते हैं कुछ इस तरह का है यहाँ से, और यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ, क्या जबरदस्त व्यू है। ये तो आगे से दिखा रहा हूँ, एक बार साइड से दिखा दो, ये देखिए कैसा नजारा है इधर से। रिकॉर्ड कर रहे हैं उतना कम पड़ जा रहा है। जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं लेमन ग्रास भर के है आसपास, देख सकते हैं नीचे, वह जो नीचे आपको दिख रहा है यह लेमन ग्रास है, हम लोग के घर में भी वैसे लगा हुआ है। हाँ, छत पर लगा हुआ है और यहाँ पर भर के लगा हुआ है। अच्छे भैया कुछ लेमन ग्रास तोड़ के भी ला दिए हैं। अरे यार नींबू जैसा सुगंध। हाथ में मोड़ के। अच्छा, और यहाँ जो लेमन ग्रास है भैया बता रहे हैं कि इसको मोमोज के सूप में भी डालते हैं जी। इधर जो पहाड़ देख रहे हैं अपनी आंखों से जो देख पा रहे हैं वो कैमरा उसको दृष्टि पे नहीं कर पा रहा है, इतना शानदार नजारा है, लगभग 3-4 पहाड़ आगे पीछे है यहाँ पर। तो हम लोग जी पहुँच गए रॉक गार्डन, इधर आसपास भैया कहीं पर गाड़ी लगाएंगे और हम लोग चलेंगे अंदर घूमने के लिए। और यहाँ पर जाम तो कॉमन सी बात है, चले जाए हम लोग जी। तो यहाँ पर सभी लोग जी उतर रहे हैं, क्रियांश को तो हमने ले लिया अपनी गोद में, दिया उधर तेरे, दिया संभल के उधर खाई है। हाँ ठीक चलो।
तो हम लोग भी पहुंचे हैं रॉक गार्डन के पास और यहाँ पर जो है टिकट ले रही है, तो देखते हैं टिकट कितने का है। कितने का है टिकट? 20 रुपया है क्या पर हेड? ओके, 20 रुपया पर हेड यहाँ लिखा है। और यहाँ से देख सकते हैं जी कुछ ऐसा नज़ारा है। और भाई साहब सभी लोग यहाँ पर अपना फोटो सब करवा रहे हैं। प्लास्टिक की बोतल को अंदर लेकर के नहीं जाना है, तो जिया यहीं पर अपना पानी पी रही है और चली जाएगी। मुझे लगता है प्यास लगेगा तो अंदर दुकान सब होना चाहिए। प्लास्टिक का बोतल लेके जाएंगे, वो भी प्लास्टिक 500 रुपए का जुर्माना। अंदर में होना चाहिए कुछ खाना पीना सब, लगता है पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा खाना पीना। तब अंदर पानी मिलेगा ना, प्यास लग जाएगा तो क्या करेगा लोग। कितना अच्छा नजारा, और मेरा बेटा जो है ना देख रहा है उधर, तो पानी का आवाज बहुत अच्छा लगता है इस वजह से। बिल्कुल जी, और काफी अच्छा लग रहा है यहाँ करके, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से ये सारा जगह तो एक्सप्लोर करें, क्योंकि हमें रोप वे जरूर करना है यहाँ का। तो चलते हैं। तो उधर देख सकते हैं सभी लोग जा चुके हैं, और ऊपर का नजारा देखिए कितना प्यारा है। हेलो प्रियांश, सबको हेलो बोली, आपको अच्छा लग रहा है? हेलो। और इधर देख सकते हैं सारा फूल है। तो ऊपर बहुत ज्यादा जाना है, पतिदेव कर रहे इतना चल पाओगी तो चलो। चलने के लिए कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी चल लेंगे, बस दिक्कत है कि टाइम कम है। हाँ। कम समय में चाहते हैं ज्यादा जगह घूम ले हम लोग। तो इधर देखते पीछे भी, और इधर जो है ना इस साइड फोटो शूट हो रहा है, पता नहीं देखते हैं अगर ये लोग करेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ऊपर था, तो हम लोग ज्यादा ऊपर तो नहीं गए, क्योंकि क्रियांश को लेकर के जाना और थोड़ा टाइम भी लग जाता है, ये भी इशू था, तो ज्यादा नहीं घूमे। तो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, 11 बजने वाले हैं। 11 बज रहा है ना? 11:30 और अभी तक कुछ खाए नहीं है, भूख तो लग गई है। तो रोप वे है, उसका टिकट 2 बजे तक ही मिलता है। हाँ। बता रहे हैं ऐसा ही, शायद आजकल बढ़ाया 1 घंटा टाइम, लेकिन श्योर नहीं है, लेकिन रिस्क क्यों लेना, आए हैं तो रोप वे कर ही लेंगे। जी हमारा दाल चावल और सब्जी भी आ चुका है, साथ में पापड़, और क्रियांश भी चाह रहा है कि सूप पिए, है ना? ये नहीं चलते, इसमें मसाला होगा। बिल्कुल, तो मसाला वाला चीज तो इसको दिया नहीं जा सकता है। कोई नहीं बेटा, बस कुछ महीने और फिर सबसे पहले पापा सी के लिए मंगवाएंगे। A few moments later. हमारा हो गया जी खाया हुआ, और अब बारी है जिया के खाने की। तो हम लोगों के खाने का सिस्टम कुछ ऐसे ही रहता है, एक आदमी पकड़ता है तो दूसरा खाता है, तो जब दूसरा खाता है तो पहला पकड़ता है, यही है ना क्रियांश? ये देखिए कितने गौर से देख रहा है। तो हमारा रॉक गार्डन तो घूमा हो गया जी, वहाँ पर खाना पीना सब कुछ हो गया। उसके बाद आप चल रहे हैं अगली स्पॉट पर, जिसका नाम है गंगा भैया। पूरा एकदम नहीं है क्या गंगा भैया? तो हम लोग चल रहे हैं वहाँ पर और देखते हैं कैसा रहता है नज़ारा। रुद्र भाई तो पहले भी वहाँ जा चुके हैं, तो इन्हीं की वजह से हमें भी आइडिया मिला कि दार्जिलिंग में क्या क्या है घूमने लायक। पता नहीं था ना क्या क्या घूमना है, बस इतना जान रहे थे कि दार्जिलिंग में बर्फ देखना है। बर्फ देखना था तो दिसंबर में आना चाहिए था ना? पता नहीं था, दिसंबर में आते तो बर्फ पूरा नहीं था। कोई बात नहीं, कभी मौका मिला तो फिर एक बार आया जाएगा। और आगे का नज़ारा कुछ ऐसा है यहाँ से, और यहाँ लगता है पेड़ गिर गया है। टिकट लेके डायरेक्ट इधर से उतरने से आपका वो बोर्डिंग वाला मिलेगा। हाँ। इधर से पार्क घूमते घूमते बोर्डिंग का मिलेगा। अच्छा, इधर से भी जा सकते हैं, ये टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट, यहाँ से भी जा सकते हैं, वो कोने से भी। तो हम लोग पहुँच गए जी गंगा मैया पार्क, और यहाँ जो है टिकट काउंटर, यहीं से टिकट लेंगे। और फिलहाल जिया को जो है गाड़ी से उतार देते हैं। लॉक खोलना जिया, अब उधर का पुराना सिस्टम वाला लॉक है यहाँ पर, उतर जाएगी या पकड़ ले। तो हम लोग आ गए गंगा मैया पार्क, नाम ही बहुत प्यारा है ना? बिल्कुल। और बेटू मेरा फिर से सो गया। अच्छा, ये सोई घूम लेता है, पूरा ट्रिप सोता है जागता है, यही चल रहा है इसका। हाँ। और यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है जी गंगा मैया पार्क का। हाँ। देख रहे हैं यहाँ पर वाटरफॉल है। हाँ, यहाँ पर एक सुने की लेक भी है, बोटिंग भी होती है वहाँ। अच्छा, फिर चलिए। टिकट तो ले लिया हमने, शायद उन्होंने ले लिया है, फिर उसके बाद जो है चलते हैं बोटिंग भी करेंगे। और फिलहाल यहाँ का नजारा दिखा दो। वाव, तो सुंदर है, उधर देखिए ना टाप भी है। टाप? हाँ। तो यहाँ देख सकते हैं ये टाप है जो हम लोग के यहाँ छठ में चढ़ता है। बिल्कुल, ये वही टाप है, और घर में अभी भी छठ का जो हम लोग का टाप रखा हुआ है। नहीं, खत्म हो गया। खत्म हो गया? हाँ। वाह, चलो फिर खरीदा जाएगा। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? गंगा मैया पार्क। हम पार्क तो आ गए, अभी कहाँ जा रहे हैं? बोटिंग कर, तो चलते हैं देखते हैं यहाँ का बोटिंग कैसा। वैसे तो जी, और आप जो है बोटिंग तसल्ली से करेंगे, पहले तो सोचे थे थोड़ी जल्दबाजी में कर लेंगे, क्योंकि पता चला कि रोप वे जो है बंद हो चुका है। बंद नहीं हुआ है, मतलब जाते जाते ना शाम हो जाएगा। शाम हो जाएगा तो फिर टिकट मिलेगा, फिर वेट करना पड़ेगा, तो फिर शाम हो जाएगा। जी नहीं, वो भी दिक्कत है। अच्छा, 4:30 बजे तक जो है टिकट मिलेगा ही, फिर उसके बाद बंद हो जाएगा।
और वहाँ जाते जाते लग रहा है अच्छा समय लग जाएगा। इससे अच्छा है कि यहीं पर तसल्ली से घूमू, टी गार्डन है वहाँ भी घूम लेंगे थोड़ा सा, और कल हम लोगों का टॉय ट्रेन का राइड भी है, टिकट बुक हो गई है हमारी। तो हम लोग आ गए हैं जी बोटिंग के पॉइंट के पास, और मालूम चला कि भैया जो है थोड़ा गए हुए थे बाहर खाना खाने के लिए, इसलिए यहाँ पर हम लोग को टिकट नहीं मिल रहा था, और हम लोग जो है थोड़ा चिंतित हो गए कि यहाँ आए और यहाँ जो है बोटिंग हम लोग जो है कर नहीं पाएंगे। लेकिन चलिए जी फाइनली बोटिंग हो रही है और मजा आएगा। हाँ पहले ड्राइवर नहीं बैठेगा वो, हम उस साइड चल जाते हैं। तो सभी लोग बैठ गए जी, और यहाँ पर दो ड्राइवर हैं, एक है रुद्र भाई और एक है हम। नीचे हाँ, तो वो जो पॉइंट है उधर नहीं जाना है, उस बांस के पास, बांस से पार गए तो सीधा नीचे ही गए। तपा दीजिएगा, नहीं नहीं घुमा लीजिए, झील का पानी झेल लेंगे लेकिन वो गड्ढा नहीं झेल पाएंगे। तो इधर क्रियांश जो है बोट में भी सो रहा है, जब ये सुमो में था तब भी सोया, टहल रही थी तब भी सोया, हर जगह सोया। तो यहाँ से जी हम लोग आ गए इस झरने के पास, देख सकते हैं कुछ ही दूरी पर है वो झरना, और वहाँ पर जो है एक बैरिकेडिंग भी लगा दिया गया है, उसके आगे हम लोग को नहीं जाना है। तो एक बैरिकेडिंग जो है इधर मिल रहा है और एक बैरिकेडिंग जो है उस साइड मिल रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, वो देख सकते हैं वो जो बांस दिया हुआ है, क्योंकि उस पार जो है सीधा है खाई, और अगर झरना के पास चले जाएंगे तो क्या खतरा है नहीं पता, हो सकता है बहुत गाढ़ा हो वहाँ पर। तो हम लोग आ गए हैं जी ठीक इस रस्सी के पास, और यहाँ से नज़ारा जो है और बेहतरीन लग रहा है, और यह झरना लगता है कहाँ से आ रहा होगा, ना जाने कहाँ से आ रहा होगा, बहुत पीछे से आ रहा होगा। नीचे का जो सतह देख पा रहे हैं भाई साहब, तो बता रहे थे कि 5 फीट का है, लेकिन मुझे ये 5 फीट भी नहीं लग रहा है, मुश्किल से लग रहा है 2 फीट होगा ज्यादा से ज्यादा यार। तो हमारा बोटिंग जी हो गया कंप्लीट, रुद्र भाई जो है मोर्चा संभाले हुए हैं, एक एक करके निकला जाए। काफी का नंबर आ गया पहले, ठीक है मिलते हैं होटल में, ठीक है। तो हालत बहुत खराब हो चुकी है, आते समय तो बुझाया नहीं था, आराम आराम से आ गए थे, जाते समय भाई साहब ओए, और अब क्रियांस भी तो भाई मजा आ रहा है ओए। बहुत बोलने की हाल में नहीं ना हो गया। हाँ पूरे हम लोग जाके कुछ खा लेते हैं, बउआ का इसमें सारा सामान भर के लेके जा रहे हैं, तो थोड़ी वो भी दिक्कत हो गई। A few moments later, फाइनली ऊपर चढ़ गए। क्या हुआ? ये बोल रहे हम नहीं जाएंगे भाई साहब, हम कह रहे हैं गाड़ी वाले से भाई साहब तुम बुलाइए, अब हम नहीं बुला लेते हैं, उधर भाई कह रहे थोड़ी दूर है चल लीजिए, लेकिन यहाँ थोड़ी दूर का क्या मतलब अभी बताते हैं, पीछे के कैमरे से देखो। तो हम लोग को जो है यहाँ से चढ़ कर जो है ऊपर जाना है, और ये बच्चे के साथ